हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ अपने किचन रेसिपी किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं बेसन की कढ़ी बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, अधिकांशतः सभी लोगों को बनाना आता है, बट सही तरीका क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, ना आए तो डिसलाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुंचे। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी मैंने बेसन लिया है, अब इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा और थोड़े थोड़े पानी करके ऐड करके इस बेसन को फेटेंगे पकौड़ियां बनाने के लिए। इसको हम ऐसे फेट लेते हैं, ज्यादा पतला नहीं करना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको फिर से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। आगे का स्टेप देखते हैं। कढ़ाई चढ़ाएं। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसके गर्म हो जाने पे पकौड़ियां बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल गर्म हो गया है, पकौड़ियों को डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके। आप स्पून से भी डाल सकते हैं और हाथ से भी, दोनों से भी आप डाल सकते हैं। जल्दी जल्दी करना है, हाथ से ही आप डाल दीजिए। पकौड़ियां लगभग हो गई हैं, इसको हम निकाल लेंगे। सारी पकौड़ियों को ऐसे निकाल लेते हैं। अब पकौड़ियों को हम पानी में डाल देंगे। पानी गर्म नहीं है, नॉर्मल पानी है, उसी में मैं सारी पकौड़ियों को डाल के ऐसे ढक दूंगी। अब एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल दिया है, अब इसमें मैं तेज पत्ता डालूंगी, लाल मिर्च और मेथी दाने, थोड़ी सी हींग इसमें जाएगा। हींग बेसन में बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा हींग भी डाल दीजिए। और जाएगा इसमें करी पत्ता। अब इसमें मैं दही डालूंगी, दही फिटा हुआ है, मैं सारी दही डाल दूंगी इसमें। अब इसमें थोड़ा सा घुला हुआ बेसन, मैंने 2-4 चम्मच ही लिया था, ज्यादा बेसन नहीं लेना है। इसको मैंने घोल लिया था। अब आप इसमें थोड़ा सा 1 से 1.5 गिलास पानी डाल सकते हैं, ताकि ये हमारी कढ़ी जो है सिम फ्लेम पे पकेगी। इसको पकने के लिए 1 से 1.5 गिलास इसमें हम पानी डालेंगे। कढ़ी को ऐसे थोड़ा सा चला के ऐसे ही छोड़ देंगे सिम फ्लेम पे, और इसमें जो हमने पानी डाला था सारा पानी निकाल देंगे। पानी को इसी में डाल दीजिए, कढ़ी में ही। आप इसको ऐसे ही आप रख दीजिए।
क्योंकि गर्म था और ये बिल्कुल फूल चुका है। ये देखिए, ये आप ऐसे करेंगे ये टूट जाएगा। तो इसमें इसका सारा पानी आप निकाल दें, मैंने निकाल दिया है। बॉयल अच्छा आ गया है, इसको एक दो बॉयल आ जाएगा, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। एक दो बॉयल आने के बाद सिम कर देंगे और सिम आंच में ही कढ़ी पकेगी हमारी। अब मैं इसमें नमक भी ऐड कर देती हूँ, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। और मैं सारी पकौड़ियों को इसमें डाल दूंगी। अब इसको सिम कर दीजिए और कम से कम 10 से 15 मिनट तक ये अपने में ही पकेगी। कढ़ी हमारी तैयार है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक बाउल में, गैस को बंद करती हूँ। अब देखते हैं कढ़ी को। वाओ, कढ़ी तो बहुत ही अच्छी दिख रही है। फ्रेंड्स, आपको भी क्या अच्छी दिख रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खाने में मैं बताऊंगी आपको। आपको और भी कोई रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जरूर आपको ये सामने प्रेजेंट करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी जरा भी यूजफुल लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।